हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए डी ब्लॉक एलिमेंट का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रीवियस ईयर्स की अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर चेक करते हैं तो आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, या कभी कभी 5 मार्क्स का भी पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट से ही डिजाइन हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते रहते हैं वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक पसंद आएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर ना पसंद है तो भी मुझे बताइए, मैं कुछ सुधार कर लूं अपने पढ़ाने में, ठीक है। वैसे यूट्यूब पे काफी लोग पढ़ाते हैं, आपको जहां अच्छा लगे वहां पढ़िए, उसके लिए मेरी किसी से कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है। जिसको अच्छा लगता है वो जरूर पढ़े, ठीक है। लाइक करके सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आता है तो जरूर डिसलाइक करें, मुझे जरूर बताएं कि भाई ये कमी है तो मैं सुधार करूं, शायद कुछ आपके लिए बदल दूं, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक है। डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन आने वाला है कि जो मेन लॉजिकल क्वेश्चन बार बार पूछता है हमसे, जैसे कि मैं बात करूं एमएनडी, Mn जो है आपको KMnO4 की फॉर्म में भी लिखा है। मैं आपको बता दूं MnO4 Mn आपको K2MnO4 की फॉर्म में मिल जाएगा, MnO की फॉर्म में मिल जाएगा, और अगर आप देखें तो MnO2 की फॉर्म में भी आपको Mn मिल जाएगा। फाइनली अगर आप KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो 7 आने वाला है, K2MnO4 में देखते हैं तो शायद 6 आएगा, यहाँ पे 2 आने वाला है, यहाँ पे 4। तो यही क्वेश्चन है आपके सामने कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आ रहा है, क्यों आता है या क्यों आ रहा है, ये वेरिएबिलिटी क्यों है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर या ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर। लॉजिकली चीजें पूछी जाती है बार बार बोर्ड एग्जाम में कि ये कलर फॉर्मेशन क्यों करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं, इस तरीके के वगैरह वगैरह क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार। कलर फॉर्मेशन क्यों करते हैं मैंने लास्ट टाइम बताया है, डीडी ट्रांजिशन, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं Mn की बात करूं, Mn की टोटल रेंज है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, एक तो +2 भी एग्जिस्ट होती है, एक +3 है, एक +4 है, +5 भी आती है, 6 भी आती है और 7 भी आती है। तो ये Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज है, ठीक है। इस तरीके से अगर Cr की भी देखें तो उसकी भी रेंज आने वाली है, +1 भी आती है, +2 भी आती है, +3 भी आती है, +4 भी है, +5 भी है और +6 भी है। हालांकि सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल नहीं है, कुछ तो बहुत रेयर है और अनस्टेबल है, लेकिन मैंने जो एक फंडा बनाया है वो उस हिसाब से ये रेंज निकलकर आने वाली है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये रेंज क्यों बदल रही है, ये वैल्यूज क्यों चेंजेस होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ऐसा क्या है, ऐसा क्या होने वाला है। तो आप सबको पता है जब आप कॉन्फिगरेशन करते हैं किसी का भी करते, मान लो Mn का करते हैं, तो कितना होता है 4s2 3d5 होता है, ठीक है। 4s2 3d5 होता है, 4s को हम लोग ns कह सकते हैं, 3d को हम लोग n-1d कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आई थिंक मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं रहा होगा तो मैं ले लेता हूँ। तो 4s को मैं ns कह देता हूँ और 3d को मैं n-1d और y2 कह देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि जो s के इलेक्ट्रॉन है और जो d के इलेक्ट्रॉन है इनमें एनर्जी गैप जो है वो काफी कम है, लेस एनर्जी गैप है, और एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये आपस में इन्वॉल्व होते हैं, आपस में मिक्सिंग करते हैं, इंटरचेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देने लग जाती है। आगे बस हमें ये लॉजिकली चीजें पूछी जाती है, याद रखें कि वो पूछेगा कि ये क्यों बदलते हैं, ये क्यों बदलाव आ रहा है। तो आपको आंसर करना है कि सर ns और n-1d जो है उनमें एनर्जी गैप बहुत छोटा है, इसलिए एक दूसरे में इन्वॉल्व उनके इलेक्ट्रॉन्स होते रहते हैं। तो प्लीज पहले से नोट कर लें, इसको लिख लें, फिर मैं आगे बात आपसे करने वाला हूं। तो आइए, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं आपको बता दूं कि आप कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट की किस बेसिस पे निकालेंगे, मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं। फाइनली पूरा सिस्टम जो है वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, सारा का सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ही खेल है।
100 इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने आने चाहिए, नहीं आते हैं तो प्रीवियस लिंक में जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिफाइन किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। फाइनली मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू है, मैं एक करके दिखा देता हूं। Mn की करते हैं, Mn का कितना होता है 4s2 3d5। डी के अंदर 500 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एस के इलेक्ट्रॉन डी के 100 इलेक्ट्रॉन के साथ बारी बारी से इंटरेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो फाइनली आप कर सकते हैं कि एस के तो 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर एस का और एक डी का 100 इलेक्ट्रॉन्स तो 3 हो जाएगा, फिर एस के इलेक्ट्रॉन और डी के 2 100 इलेक्ट्रॉन्स तो 4 हो जाएगा, एस के 2 और डी के 3 100 इलेक्ट्रॉन्स 5 हो जाएगा, एस के और 4 100 तो ये आपका 6, और फिर एस के 2 और 5 100 तो आपका 7 हो जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये इस तरीके से वैल्यूज इसकी आने वाली है। ठीक है, ऐसे आपको मैं बता दूं क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम का 24 होता है, कितना होता है 1s2, सॉरी डायरेक्ट कर देता हूं 4s2 3d4। आप कहेंगे सर करेक्ट कर लीजिए, 4s2 3d5 हो जाएगा। ठीक है, 4s2 3d5 हो जाएगा, तो s का एक इलेक्ट्रॉन s का है और एक इसका, तो 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हालांकि इसकी 1 और 5 वाला जो नंबर है वो रेयर है, वो जरूरी नहीं है आपको मिले, पर जो सिस्टम था मैंने उसके बेसिस पे ये नंबर्स निकाले। ठीक है, तो इस तरीके से रेंज हम लोग निकालते हैं, इस तरीके से वैल्यूज आप पता कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता था कि Mn का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपके +2 और Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आंसर होगा +7। क्रोमियम का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा और मैक्सिमम कितना होने वाला है 6 होने वाला है। तो इस तरीके से आंसर्स आप लोग कर सकते हैं अपने ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए आप इसे नोट कर रहे हैं और ठीक है, आप इसे नोट कर रहे हैं और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है किसी का। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का या ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं n+2। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू n+2 वेयर n द नंबर ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स। मान लो Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जानना होता तो 2 प्लस n करना है, तो n नंबर ऑफ अनपेयर्ड है, d5 होता है, 500 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 + 7 आंसर्स आ जाएगा और 7 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल की रेंज कैसे आने वाली है, कैसे हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, मेरे बेसिक क्वेश्चन जो होंगे वो 3D सीरीज के भी ज्यादा होंगे। ठीक है, स्कैंडियम पर, टाइटेनियम पर, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, वही उसी सिस्टम के करते हैं, इसकी 2 भी आती है लेकिन वो रेयर है, 3 आती है, इसकी 2, 3 और 4 आई है, इसकी 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 4, 5 और 6 है, इसकी वापस 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर इसकी वापस डिक्रीज होगी क्योंकि आयरन के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे, आप लोग देख सकते हैं, तो 2, 3, 4, 5 और 6। 5 इसकी भी रेयर होती है, ध्यान रखें, जरूरी नहीं है सारी आए, कुछ रेयर है कुछ स्टेबल। फिर इसकी 2, फिर इसकी 3, इसकी 4 और फिर इसकी भी 2, 3, 4, इसकी 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, लेकिन 3 बहुत रेयर होती है और इसकी भी 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये वैल्यू कैसे आती है वो मैंने अभी आपको बताया कि आप कैसे आंसर्स कर सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो आपसे कहेगा कि 3D सीरीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, तो आपका आंसर होगा Mn का आंसर होगा +7। 3D सीरीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 4D सीरीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा, +8 होगा, रुथेनियम का +8 होता है, ध्यान रखिएगा। और 5D सीरीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, वो भी +8 होगा और वो होगा ओसोमियम का। किसका होने वाला है, ओसोमियम का +8 होगा। ठीक है, 3D 4D 5D का मैंने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बता दिया। अब बात करते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का भी है, कॉपर का भी है, आपने देखा बना रहा है। आपको मैं और बता दूं कि निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है,
ध्यान रखिएगा निकल आपका जीरो ऑक्सीजन स्वेटिशो पड़ता है, आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखे होंगे उसे, ठीक है, जहां पे निकल आपकी जीरो ऑक्सीजन स्वेटिशो शो करता है। हालांकि काफी और भी लोग करते हैं लेकिन निकल जीरो ऑक्सीजन स्वेटिशो आपकी लगता है, ठीक है। तो मैक्सिमम किसकी है, मिनिमम कितनी है, वो बात होगी। थ्री डी सीरीज में एक और इम्पोर्टेंट बात करेगा आपसे कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप देखें लगभग दो दो वैल्यू सब तो आ ही रही है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको प्लस टू होगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि कॉमन कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम किसका होगा, विलेज कैसे आएगी, मैंने काफी क्वेश्चन बना दिए हैं आपके लिए, ठीक है। फटाफट से पॉज करके नोट कर लें तो फिर मैं और आगे आपसे डिस्कशन कर लूं थोड़ा सा, फटाफट से करना पॉज कर चलिए। तो मिनिमम मैक्सिमम हो गया, अब मिनिमम मैक्सिमम में हमें क्या चीज सीखी है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। दो तरीके की बात सीखी है, जैसे कि स्कैंडियम प्लस टू है मेरे पास, वैनेडियम प्लस टू, Fe प्लस टू और CO प्लस टू, जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम होते हैं लगभग, अब दो तरीके की बात सी, और Cr प्लस सिक्स है, Mn प्लस सेवन, Mn प्लस सिक्स है, Mn प्लस फोर है, ठीक है, जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपके मिनिमम होते हैं और जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होते हैं। तो मिनिमम वाले को तो फॉर्म करते हैं आयनिक कंपाउंड, जनरली क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये बात याद रखी है, काफी इंपोर्टेंट बात है। जिनके मैक्सिमम होते हैं मैक्सिमम वाले फॉर्म करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाना पसंद करते हैं। दो बात हो गई, मिनिमम वाले क्या करते हैं, आयनिक बनाते हैं, मैक्सिमम वाले कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। मिनिमम और जो होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट वो वर्क करते हैं रिड्यूसिंग एसिड, ये काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये काफी इंपोर्टेंट है कि जिनके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाले हैं वो किसका काम करते हैं, वर्क वैलेज रिड्यूसिंग एजेंट, और जिनके मैक्सिमम आने वाले हैं वो किसका काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दो तीन बातें क्लियर होगी, मिनिमम क्या करते हैं, मैक्सिमम क्या करते हैं, मिनिमम किसका करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, मैक्सिमम किसका करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और आयनिक कंपाउंड कौन बनाता है, मिनिमम वाले और मैक्सिमम वाले बनाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। एक और इंपोर्टेंट बात कि मैक्सिमम कंपाउंड जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल आपके वो क्रोमियम, वो आपके ऑक्साइड और फ्लोराइड के साथ ही फॉर्म करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट लगभग किस टाइप के एलिमेंट्स के साथ बनाते हैं, तो याद रखें ऑक्साइड और उनके फ्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं लिख देता हूं Mn2O7, ठीक है, CrF6, ठीक है, Mn2O7 CrF6, तो ये वो कंपाउंड है जिनके अंदर वो मिनिमम और मैक्सिमम अपने क्या कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये बात आपसे क्लियर हो रही होगी कि मिनिमम मैक्सिमम का क्या गेम है। चलिए आइए फिर मैं एक और बात बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कैंडियम पर चर्चा अक्सर होती है, स्कैंडियम का आंसर साइंटिफिक, मैं आपको बोल दूं स्कैंडियम पे दो आंसर आए, दो तो दोनों ही होती नहीं है, इसमें स्कैंडियम दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं है, ओनली थ्री एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि स्कैंडियम एग्जिस्ट ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री, नॉट टू, ओनली थ्री। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि स्कैंडियम डू नॉट वेरिएबल, आपने देखा कि लगभग इस परिवार में, इस फैमिली में जितने भी सीरीज में एलिमेंट थे सबके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे थे, मैंने सीरीज लिखी थी, लेकिन स्कैंडियम में ऐसा कोई करेक्टर नहीं है, वो तीन से ज्यादा जानता ही नहीं है, तीन से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसके खानदान में नहीं थे, क्यों नहीं देखे, चलो देख लेते हैं कि भाई उसमें ये क्यों नहीं देखे। एक्चुअली क्या होता है, स्कैंडियम 21 होता है, आप कॉन्फिगरेशन करेंगे 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d1, आपको मालूम है कि ये 21 का होगा, अगर तीन करेगा तो दो यहां से और एक यहां से इलेक्ट्रॉन चार्ज करेगा, लेकिन चार पढ़ता तो आपको पता है आपको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती पी से, आपको कहां से इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ने वाली थी, पी से, लेकिन पी से इलेक्ट्रॉन आप नहीं ले सकते क्योंकि
ये दो हो गया, ये आठ हो गया और ये भी आठ हो गया। ध्यान से देखें, आठ हो गया, टू एट एट, फाइनली इलेक्ट्रॉन हो गए 18। पर 18 इलेक्ट्रॉन आने से उसकी तो लॉटरी खुल जाएगी, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर लेगा स्कैंडियम। और आप नोबल के बारे में जानते हैं कि वो ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहते हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। उन्हें कोई शौक नहीं है किसी को इलेक्ट्रॉन देने का या किसी से इलेक्ट्रॉन लेने का, क्योंकि उनके शेयर स्टेबल है, फुली फील्ड है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। तो लॉजिकली समझ में आ गया होगा, स्कैंडियम एग्जिस्ट ओनली प्लस 3, स्कैंडियम डू नॉट शो वेरिएबल। तो आंसर है बिकॉज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो ऑक्यूपाई कर लेता है। चलिए ये बात हो गई, क्लियर, हटा दूंगा। चलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट चीजें बना रहा हूं जो काफी आपके मतलब की है, काफी क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। चलिए एक और चीज सिखा रहा हूं। मान लो कोई भी मेटल ऐसा है जिसका कॉन्फ़िगरेशन D0 आ रहा है या D5 आ रहा है उसके पास या D10 आ रहा है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कैसे होते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं आपके, इसमें D10 सबसे ज्यादा स्टेबल है D5 से और D5 ज्यादा स्टेबल है D0 से। कैसे क्वेश्चन आने वाला है आपसे, ये पूछ सकता है Mn+2 और Mn+3 में विच ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कैसे आने वाला है, Mn+2 एंड Mn+3 में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा। तो आपको मैंने बता दिया है कि किसी के पास D0 D5 या D10 आ जाएगा वो स्टेबल होगा। स्टेबल होने में मैंने आपको बता दिया है D10 का ज्यादा स्टेबल होगा D5 से और D5 ज्यादा स्टेबल होगा D0 से। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि Mn का आएगा 4s2 3d5 और इसका आप देख सकते हैं कि आने वाला 4s2 3d5d आएगा, लेकिन यहां से तो जाने वाले हैं 3 इलेक्ट्रॉन और यहां से जाने वाले हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या बचेगा 3d5 और यहां पे बचेगा 3d4। तो आपको पता है d5 इसके वाले या d4, तो आंसर आपके सामने है d5 ज्यादा स्टेबल है d4 से, इसलिए Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ज्यादा स्टेबल होगी। ओके, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ज्यादा स्टेबल होगी Mn+3 से। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस को मैं और भी करा सकता था, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बड़ा टॉपिक है, काफी चीजें हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कोई नहीं पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को ढंग से सुने, समझे, अपनी थ्योरी पढ़े, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं NCERT पढ़ लें, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, काफी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। आज के लिए इतना ही, टॉपिक पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।